हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज, बिल्कुल मस्त हूँ। अभी मैं आया हूँ ओमान का सबसे पुराना मार्केट मथुरा सूक। जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ ओमान का सबसे पुराना मार्केट, जो आज इस वीडियो में देखेंगे आप। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए अभी तक आपने शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको अंदर लेके चलूँगा और आपको दिखाऊँगा ओमान का सबसे पुराना मार्केट मथुरा सूक, मथुरा मार्केट। गाइज, ओमान के इस सबसे पुराने मार्केट में जैसे अंदर बढ़ेंगे, यहाँ देखिए सिल्वर वर्ल्ड के नाम से दुकान है और एक गली यहीं से शुरू हो जाती है। एक बार आप मेरे हाथ के इशारे से देखिए, यहीं से अंदर जाएंगे। अंदर जाने का रास्ता भी यही है, बाहर आने का रास्ता भी यही है। यहाँ पर अगर थोड़ा आगे चलने के बाद एक नजर डालिए यहाँ पर मेरे कैमरे के माध्यम से, ये देखिए ताले, कैसे ताले हैं देखिए, ये बहुत पुराने जमाने के ताले हैं। और यहाँ पर सामान देखिए, कितने प्यारे प्यारे सामान है। ये ब्रास का सामान है, सिल्वर का सामान है, कॉपर का सामान है। और ये गली के अंदर पब्लिक की भरमार है। यहाँ पर ओमान देश के ओमानी से ज्यादा विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए, विदेशी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। ओमान का सबसे पुराना मार्केट घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ आने के बाद और भी चीजों का मजा लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर समुन्द्र के किनारा है। समुन्द्र के किनारे पे बना हुआ ये मथुरा मार्केट है, सबसे पुराना मार्केट। ये जो समुन्द्र का किनारा है, इसको बोलते हैं मथुरा पोर्ट या मथुरा कॉर्नर्स के नाम से भी जाना जाता है। गाय देखिए, कुटुम भाई भी मेरे साथ ही है। आप क्या सोच रहे हो, मैं अकेला अकेला नहीं हूँ, ये भी मेरे साथ ही है। और यहाँ पर देखिए ओमानी टोपी, कितने प्यारे प्यारे डिजाइन में ओमानी टोपी, जो यहाँ के मेल ओमानी लोग लगाते हैं। गाइस, मेरे साथ एक भाई मिले यहाँ, इनसे इंट्रोडक्शन लेंगे। आपका नाम? हशीब। कहाँ से हैं? केरला, इंडिया। इंडिया से आप कितने साल से यहाँ ओमान में? अभी मैं इधर 10 साल हो गया। 10 साल यानी मेरे से नए हैं, मैं आपसे पुराना हूँ। तो यही की आपका दुकान है? मेरा दुकान इसके अंदर है। इसके अंदर है? चलो नेक्स्ट टाइम आप टाइम देंगे तो वीडियो बनाएंगे, ठीक है? ओके ओके, मुश्किल नहीं। तो शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब लोग करेगा। ओके ओके, शुक्रिया अली भाई। और ओमान के सबसे पुराने मार्केट में अल्कोहल फ्री नेचुरल तरीके से बना हुआ परफ्यूम और नेचुरल तरीके से बना हुआ अल्कोहल फ्री अत्तर भी मिलता है। ओमानी लोग बहुत अत्तर या परफ्यूम का प्रयोग करते हैं, मैंने भी यहाँ से लिया था, बहुत अच्छा सुगंध वाला अत्तर मिलता है यहाँ पर। ये मथुरा सूक मथुरा मार्केट एंटिक सामानों के लिए फेमस है, इसलिए जो विदेशी पर्यटक, जो विदेशी टूरिस्ट हैं, सभी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। देखिए एक सिल्वर की दुकान है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ खंजर आपको नजर आ रहे होंगे सिल्वर कलर में। और यहाँ पर नजर डालिए आप, यहाँ पर धुआं निकल रहा है, ये देखिए ये धुआं निकल रहा है, ये रूम फ्रेशनर का काम करता है। ये जो धुआं निकल रहा है ना, इसमें एक ये देखिए नीचे प्लास्टिक में रखा हुआ है कुछ काला काला सा, ये गोंद जैसा होता है, एक प्रकार का मसाला होता है ये बनाया हुआ, चंदन की लकड़ी और बहुत सारी पता नहीं खुशबू वाली चीजों से बनाया होता है। और देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ पुराने घड़ियां हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, इस मार्केट में जो घूमने आने का जो अनुकूल समय है वो शाम को 4 बजे के बाद है। उस समय सारी दुकानें आपको खुली मिलेंगी और सारी दुकानें खुली होने के साथ साथ पब्लिक की भरमार भी होगी, भीड़भाड़ भी होगी। और ये मार्केट का खुला रहने का समय रात को 11:30 बजे तक, और ये मार्केट हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है, कोई छुट्टी नहीं है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी आए, 7 दिन खुला रहता है ये मार्केट। सुबह 8:30-9 बजे खुलना शुरू हो जाता है और रात को 10:30-11 बजे तक, 11:30 बजे तक खुला रहता है मार्केट। और आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये बहुत पुराने जमाने की घड़ियां हैं। आजकल तो स्मार्ट वॉच आ गए, डिजिटल वॉच आ गए, पहले इस प्रकार की घड़ियां हुआ करते थे। ये जो मथुरा मार्केट है, ऐसी ऐसी दुर्लभ चीजें हैं, पुरानी चीजों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर ओमानी कल्चर से लेकर विदेशी कल्चर तक के सामान भी यहाँ पर मिलते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ स्टिक रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो ओमानी लोग अपने साथ लेकर चलते हैं, जो कंदूरा पहनते हैं ओमानी लोग सफेद कलर का, उसके साथ में लेकर चलते हैं। कहीं फंक्शन होता है, पार्टी होता है, वहां पर भी वो स्टिक को लेकर चलते हैं।
देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार के जादुई चिराग जैसे रखे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए अंगूठियाँ, ये रिंग रखी हुई है जो पता नहीं किस प्रकार के अष्ट धातु की बनी हुई है, बहुत पुराने जमाने की अंगूठियाँ हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए ये है ओमानी स्टिक, ओमानी जो इसको छड़ी बोलते हैं, ओमानी लोग साथ मिलकर चलते हैं। और आपको मैं कैमरा रोटेट करके दिखा रहा हूँ अंदर, देखिए एक गली का नज़ारा, क्योंकि यहाँ पर सुबह शाम कभी भी आए एक ही प्रकार का नज़ारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर का सूर्य का किरण नहीं मिलता है, सारी यहाँ पर लाइटों की रोशनी आती है। देखिए यहाँ पर तीन कलश रखे हुए हैं, ये देखिए कांसे के हैं, ये कांस धातु बोलते हैं, कांस उसके हैं, और पित्तल टाइप का एक धातु होता है उसकी बने हुए हैं। देखिए सारी दुकानों में ऐसी सामानें मिलेंगी, एंटिक सामानें मिलेंगी जो देखने में एकदम दुर्लभ तरीके के सामान है। देखिए ओमानी भाई है यहाँ पर जो अपनी छड़ी को पसंद कर रहे हैं, देखिए स्टिक को पसंद कर रहे हैं। गाइस मेरे वीडियो के माध्यम से शायद आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे देखिए कितनी यूनिक चीजें रखी हुई हैं, बहुत बढ़िया बहुत पुराने चीज़ें रखी हुई हैं, ओमानी कल्चर की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी इस दुकान में। देखिए कैसे कैसे सामान है यहाँ पर, जो बहुत पुराने ज़माने के सामान हैं। आपको इस चीज़ को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा था, ज़रा देखिएगा मेरे वीडियो से, बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ। ये एक अरब देश है ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट के, मस्कट के अंदर ओमान के अंदर सबसे पुरानी मार्केट यही है। कहने में सुनने में आया है कि ये लगभग 300 साल पुरानी मार्केट है, यहाँ पर इसलिए लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि नाम सुनते ही 300 साल पुरानी मार्केट, सब यहाँ पर दौड़े चले आते हैं घूमने के लिए। टूरिस्ट लोग सबसे पहले ओमान आते हैं तो घूमने के लिए यहीं पर आते हैं, क्योंकि ये एक समुंदर के किनारे पे बसा हुआ बना हुआ एक मार्केट है। यहाँ पर क्रूज शिप लेके आते हैं, फ्रांस इटली जर्मनी यूरोप से यूएसए से बहुत बड़े बड़े क्रूज शिप में यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। समुद्र के रास्ते बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं क्रूज शिप में, क्योंकि क्रूज शिप ऐसा शिप है जिसमें सारी चीज़ों की फैसिलिटी अंदर मिलती है। देखिए इसको बखूर बोलते हैं, पैकेटों में आता है बखूर। हमीद फिन सैफ सलेमानी ये नाम दुकान का नाम है, इस दुकान में कई प्रोडक्ट मिलते हैं। इस दुकान से मैंने अपने लिए परफ्यूम लिया था, अत्तर लिया था, बहुत बड़े अत्तर मुझे यहाँ से मिला था। देखिए कैसे नक्काशी के साथ में बनाए हुए यहाँ पर, और ये शॉल है, इसका प्राइस कितना है भाई? 6 रियल। अच्छा इसका प्राइस 6 रियल है, ये कश्मीरी शॉल है। 6 रियल का मतलब होता है 1250 रुपये इंडियन के आसपास होता है। और यहाँ पर देखिए गोल्डन कलर में कितना प्यारा खंजर है, देखिए खंजर ओमान का राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि ओमानी लोग खंजर को लगा के चलते हैं। देखिए ये सिल्वर कलर में खंजर है, ये बहुत प्यारे प्यारे खंजर है इस मार्केट में मिलते हैं, बहुत पुराने ज़माने के खंजर भी यहाँ पर मिलते हैं, पुराने ज़माने के तलवार भी यहाँ पर मिलते हैं। ये देखिए ये जितने भी कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, शॉल ये दुपट्टा वगैरह, ये सारे इंडियन है। और ये देखिए ये जो टोपी है ओमानी टोपी, ये ज़्यादातर टोपी बांग्लादेश से आती है, बांग्लादेश में बनाई जाती है, नए नए डिजाइन की टोपियाँ ये जो यहाँ के अरबी लोग लगाते हैं, और मैंने भी लगाया है। देखिए ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो टाइम नहीं है। थैंक यू। देखिए हमारे भाई साहब मिले दिल्ली के आनंद विहार ब्रिज विहार के, बहुत अच्छा लगा। ओमान में आया था मैं, ओमान में हालांकि मेरे को 14 साल, आप कब से ओमान में? 31 साल हुए, 31 साल से ओमान में, मैं 14 साल से ओमान में हूँ। इस मार्केट में कई बार घूमने के लिए आया, लेकिन आपसे मिलने का मौका आज पहली बार मिला, और मैं भी दिल्ली से हूँ और आप भी दिल्ली से हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है? और इस वीडियो के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। ये वीडियो को दिल्ली वाले भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, दिल्ली वाले भी देख रहे हैं इस वीडियो को। मिलकर रहो भाई, सब अच्छा से रहो, भाईचारे से रहो, बस यही अपना। जय हिंद बोलो एक बार, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ओके भाई, थैंक यू। इस मार्केट में अगर घूमने आना हो तो पैदल ही आना पड़ता है, अंदर गाड़ी वगैरह या कुछ
बाइक वगैरह कुछ लेके आना अलाउ नहीं है और लाने का रास्ता भी नहीं है। बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके पैदल ही पैदल अंदर आना होता है। और आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से यहाँ पर धुआं निकल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको बोलते हैं बखूर। ये रूम फ्रेशनर का काम करता है। यहाँ के जो ओमानी लोग हैं, यहाँ के जो अरबी लोग हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अपने घर के बाहर बालकोनी में या गैलरी में लगा देते हैं। देखिए पैकेट में आता है, गोंद जैसा होता है, देखिए ये गोंद जैसा होता है। इसको उस आग में डालते ही धुआं निकलने लगता है और बहुत प्यारी भीनी भीनी खुशबू आती है। ये देखिए इस प्रकार से जल रहा है, यहाँ पर बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है इसमें से। ये जो टोपी देख रहे हैं ओमानी टोपी, सफेद कंदूरा के साथ में टोपी लगाते हैं यहाँ के ओमानी लोग। देखिए आपको मैं वीडियो से दिखा रहा हूँ, देखिए आगे दो ओमानी जा रहे हैं, सफेद रंग का कंदूरा पहन रखा है और सर में टोपी लगा रखी है। इसी प्रकार की टोपी लगाते हैं यहाँ के मेल, और फीमेल लगाती है बुरका। बुरका मुंह नहीं ढकते, सिर्फ सर पे लपेटते हैं, सर को ढकते हैं बस। जैसे सऊदी में पूरा बुरका लगाया जाता है, ओमान में इस प्रकार से बुरका नहीं लगाते, बस सर में सर को ढकते हैं बस। और देखिए यहाँ पर अंगूठियाँ, देखिए एक शोकेस के अंदर अंगूठियाँ रखी हुई हैं, बहुत पुराने ज़माने की, बहुत प्यारी प्यारी अंगूठियाँ हैं, और सिल्वर की, ब्रास की, गोल्डन कलर में, सिल्वर कलर में, देखिए कितनी सारी अंगूठियाँ हैं यहाँ। और अभी मैं एक दुकान के अंदर आ चुका हूँ, दुकान के अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, एक कैमरा रोटेट करके पूरी दुकान को दिखाता हूँ। देखिए सामने ये दो दुकान के आदमी ही काम करते हैं। और देखिए खंजर, कितने सारे खंजर है। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ ओमान का राष्ट्रीय चिन्ह खंजर है, तो यहाँ के ओमानी लोग खंजर को लगा के चलते हैं। देखिए यहाँ पर तलवार भी लगा हुआ है, बहुत पुराने ज़माने का। और इस साइड में आप देखेंगे दीवार में, ये देखिए ये जितने भी आप सामान देख रहे हैं ये सिल्वर के हैं, चांदी के हैं, नए नए डिजाइन में, चैन, कान के टॉप्स वगैरह, हाथ की अंगूठियाँ वगैरह, ब्रेसलेट, कई प्रकार की चीज़ें इस दुकान में मिलती हैं। क्या देख रहा है भाई? क्या देख रहा है? क्या परेशानी है भाई? तेरी बीवी भाग गई छोड़ के? बोलो खाली, देखो मैं एंड कर रहा हूँ। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।